नमस्कार, कैसे आप सभी। आज 6 फरवरी 2023 बिहार बोर्ड के सभी छात्रों ने जीव विज्ञान का परीक्षा दिया है। उम्मीद है कि सभी का परीक्षा अच्छा हुआ होगा और अभी मैं इस आप में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कराऊंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आपको इस लेवल तक पढ़ाया भी जाता है या फिर क्वेश्चन ही पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में लेवल था, एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं भी देखा तो लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि NCERT से भी बाहर हैं और कंपटीशन वाले क्वेश्चंस रखे गए, A to Z नीट के क्वेश्चन रखे गए इसमें, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है। देखिए, जिसने भी साल भर पढ़ा है, जिसने पूरी ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लापरवाही से पढ़ा है उसके लिए टफ माना जा सकता है। क्वेश्चंस के लेवल थे, ठीक है। भू जैव रासायनिक चक्र क्या होता है, तो ये आपको बताया कि पोषण चक्र को ही कहते हैं, जिसे बायोजियोग्राफिकल साइकिल भी कहते हैं, यानी पोषक चक्रों को। पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, भू जैव रासायनिक चक्र, या इसे पोषक चक्र भी कहते हैं। जैसे आपको बताया था ना, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, उसी को कहते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। अकार्बनिक तत्वों का प्रयोग कौन करता है, पौधे करते हैं, स्वपोषी जीव करते हैं, जितने भी अन्य दिखाए गए हैं मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइटिक, वो मरे सड़े गले अवशेषों को खाता है। तो मरे सड़े गले अवशेषों में क्या होता है, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक तत्व होता है, अकार्बनिक तत्व नहीं। विषमपोषी यानी हम लोग क्या खाते हैं, पौधों को खाते हैं, कार्बनिक तत्व को ही लेते हैं, अकार्बनिक तत्व को नहीं लेते। अपघटक डिकम्पोजर्स भी मृत अवशेषों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करता है, उसको खाता है, उसके बाद उससे अकार्बनिक तत्व बनते हैं। उन अकार्बनिक तत्वों का प्रयोग पौधे करते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वपोषी। लाइकेन किन के क्रम में अग्रणी होता है। देखिए, लाइकेन के बारे में बताया गया है, लाइकेन इज ए पायनियर स्पीसीज या पायनियर कम्युनिटी ऑफ जीरोसियर, यानी मरुक्रमक का ये पायनियर स्पीसीज है। लेकिन मरुक्रमक का मतलब क्या होता है, वो स्थान जो शुष्क है, जहां पर जल उतना नहीं पाया जाता, तो उसी के अंतर्गत शैलक्रमक भी आता है, शैलक्रमक भी उसी के अंतर्गत आता है। यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा, बी और सी दोनों ही होंगे, जिसमें लाइकेन अग्रणी समुदाय होता है। अब जिसने केवल सी लगाया था तो वो तो लटक गया। चौथा देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। उत्पादक नहीं है मतलब स्वपोषी पौधे नहीं है, सीधे सीधे कहने का मतलब। देखिए, नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा इज ए साइनोबैक्टीरिया, ये सब शैवाल हैं, तो ये सब तो क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। लेकिन एगेरिकस मशरूम दे दिया, ये एक कवक है और कवक कभी स्वपोषी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रतिजैविकों, यहाँ पर क्वेश्चन तरीका गलत पूछा गया है, मैं तो साफ साफ कहूँगा, यहाँ पर इनको जीन भी देना चाहिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का क्या महत्व होता है। तो जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पर दे दिए हैं, इसका तो मतलब ये होता है कि हम किसी जीवाणु या किसी अन्य रोगजनक से बचाव के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में दे दिए हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो हम किसी रोगाणु से मुक्त करने के लिए तो कुछ ऐसा करेंगे नहीं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगर दिया होता, लिखा होता, तो यहाँ पर ज़्यादा सही होता। और मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर के लिए, और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि टू कीप द कल्चर्स फ्री ऑफ इन्फेक्शन, बी या सी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, मेरे तरफ से तो ये जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक पूछा गया है और आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है वेक्टर में, जो एक सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है, और बाकी ये भी हो सकता है, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, बी या सी में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, एग्रोज जल पर अलग किए गए DNA के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन, 50 बार बताए हैं, इथीडियम ब्रोमाइड के द्वारा, UV रेज डालते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड से उसे पेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, समयुग्मक किसमें पाया जाता है, चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। आइसोगैमिट्स किसमें पाए जाते हैं, यानी ऐसा जीव जिसमें दोनों युग्मक में नर और मादा दोनों समान होती है, ये होता है क्लैडोफायरा में। टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट है और आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन यहाँ पर भी है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट थाइमस में भी उत्पन्न होता है और अस्थि मज्जा बोन मैरो में भी उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बी और सी दोनों को दे दिए हैं, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुक में मैंने देखा है कि
लिखा हुआ है साफ साफ कि टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों में। कुछ किताबों में लिखा है कि सिर्फ अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, उसका विभेदीकरण होता है थाइमस में। तो मुझे डाउट है, या तो सी अकेला हो सकता है या फिर सी और बी दोनों, और मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। अब आप ऑनलाइन चेक करोगे तो ऑनलाइन में भी सी दिया गया है, सिर्फ अस्थि मज्जा। ठीक, ये भी नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम 90% सब नीट के रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, तो आपको पता है क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है, पैकिटिन में, ऑप्शन सी। ये भी खूब आपको 325 जो आपसे क्वेश्चन करवाए थे उनमें ये था। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको उसमें मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सी आगुणित संरचना है, अब इसके बारे में तो एकदम चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, युग्मनज होता है, द्विगुणित अंडाणु होता है, आगुणित युग्मक होता है। आगुणित, अब युग्मक है तो युग्मक अंडाणु भी होते हैं, शुक्राणु भी होते हैं, दो युग्मक तो आगुणित होता ही है, अंडाणु शुक्राणु भी आयुग्मित होते हैं, यानी बी और सी आगुणित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसका आंसर होगा निपेंथीज, निपेंथीज खासियाना, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, निपेंथीज घटपरड़ी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप हैं, अब देखिए समकार्य शब्द ही बदल दिए, समरूप अंग होता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर, इंग्लिश जब तक आप नहीं पढ़ रहोगे तब तक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कर पाओगे। देखिए एनालॉगस अगर पढ़े हो तो एनालॉगस का मतलब ही होता है असमजात अंग, या समरूप अंग पढ़े हो, असमरूप अंग क्या दर्शाता है, अभिशारी विकास को दर्शाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। जावक अपिका कपाल क्षमता 900 cc, आपको जैव विकास वाले में सब कुछ। देखिए सिलेबस अगर सबने पढ़ा है तब तो आप 35 क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, 17 तो नहीं कर पाओगे, तो गारंटी है 17 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। आप पूरा बायोलॉजी पढ़ डालो क्लास 12 का तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर लेवल बहुत हाई दे रखे हैं इन्होंने क्वेश्चन के, लेकिन 35 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे अगर आपने क्लास 12 की पूरी किताब ईमानदारी से पढ़ी है तो। एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है, अब एलेलोपैथी भी नहीं दिया गया है कहीं पर भी, लेकिन पूछ लिए हैं। एलेलोपैथी का मतलब होता है कि कुछ जंतु, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आसपास अपने किसी पौधे को उगने नहीं देना चाहते, या कोई अन्य पौधे भी किसी अन्य पौधे को उगना नहीं देना चाहता, तो वो अपने आसपास टॉक्सिन का सिक्रेट करता है, विष पदार्थ का श्रावण करता है, जो उन पौधों की वृद्धि, जनन, इन सभी को रोकती है। ऑप्शन सी सही होगा। कुछ क्वेश्चन तो 11 से भी उठा लिए इसमें। पार्थिनोजेनेसिस किसने द्वारा निर्माण किया गया, इतना भयंकर क्वेश्चन। पार्थिनोजेनेसिस, इसका ऑप्शन सही होगा बी, रिचर्ड ओवन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, पैरामीसियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, ये तो बताए ही है, अनुप्रस्थ विभाजन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है, पैरामीसियम में बीच से ट्रांसवर्स डिवाइड होता है। नेक्स्ट देखिए, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, नर और मादा जब दोनों भिन्न होते हैं तो इसे कहते हैं यौन द्विरूपता यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बाकी मुझे किसी में भी कोई आंसर नहीं लगा, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं लगा, क्योंकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोला जाता है कि इन जीवों में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एकदम कंप्लीटली होता है, कि नर और मादा पूरी तरीके से पृथक होते हैं, भिन्न होते हैं, और यही ऑप्शन सही होगा। बी देखिए, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे आपको, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। निषेचन को रोकने का काम नहीं करता, निषेचन का रोकने का काम करता है IUD, इंट्रायूटरिन डिवाइस। गोलियां सिर्फ अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन को रोकती हैं और भी कुछ काम करती हैं, लेकिन वहां पर ये ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि बताइए, ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जब हम अंडाणु में सीधे इंजेक्शन द्वारा हम शुक्राणु को प्रवेश कराते हैं। एमनियोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, बहुत बार आपको कराया गया है, एमनियोसिंथेसिस से हम भ्रूण में किसी भी आनुवंशिक रोग की पहचान कर सकते हैं, ऑप्शन बी। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है, अब जननांगी ये समस्या नहीं होगा, मस्सा होगा, जननांग मस्सा यानी जेनेटल वर्ट किसके द्वारा होता है, तो जेनेटल वर्ट होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ये भी आपको क्वेश्चन कराया गया है। आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में, हजार बार बताए हैं, इंडोस्पर्म के बारे में चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, थ्रीयन होता है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या, देखो मानव में होता है 46 गुणसूत्र, लेकिन
युग्मक बनते समय कितने होते हैं? आधे चले जाते हैं, 23 गुणसूत्र, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है। नीलहरित सवाल, किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? अभी पिछली क्लास में बताए थे, चावल के लिए। कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी किसे रोकता है? तो देखिए, कॉपर टी रोकता है निषेचन को, अंडे की परिपक्वता, अंडोत्सर्ग नहीं, सिर्फ और सिर्फ निषेचन, ऑप्शन बी चलेगा। कॉपर टी केवल निषेचन को रोकता है। रिट्रोवायरस निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? एड्स का, क्योंकि एड्स होता है एचआईवी से और एचआईवी एक रेट्रोवायरस होता है। भाई स्थानीय संरक्षण का उदाहरण दीजिए, इसमें तो आप पक्का चैलेंज कर सकते हो। इसमें जो आंसर्स दिए गए हैं उसमें से दो सही हैं। सीड बैंक भी होता है, बीज बैंक भी भाई स्थानीय संरक्षण होता है, और जंतु उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क भी भाई स्थानीय संरक्षण होता है। बताओ क्या लगाओगे आप? कोई भी इनमें से लगा दो, अगर आपने कोई भी लगाया तो आप सही हो। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पवित्र उपवन, ये सभी आपको क्या बताया गया है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से भी क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण है। अब भाई स्थानीय संरक्षण में जंतु उद्यान आता है और बीज बैंक आता है, साफ साफ किताब में दिया गया है। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन रख दिए हैं। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? तो आपको जब अभी कल ही बताए हैं फिगर में, मानव के मादा के अंडाशय में पाया जाता है, मादा मानव के अंडाशय में। प्राथमिक पुटक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन क्या है? आउट ऑफ सिलेबस। शाकनाशी प्रतिरोधी, देखो पीड़कनाशी, पीड़क प्रतिरोधी तो सुने होंगे, पीड़क प्रतिरोधी के लिए बीटी यूज किया जाता है। अब ये यहाँ पर शाकनाशी दे दिए, अब इनमें से कोई भी आंसर कहीं पर नहीं मिला। शाकनाशी जो जीन होता है वो HT होता है। इसका आंसर मेरे पास नहीं है कि कौन सा आंसर सही होगा, आई एम सॉरी। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है किससे? कराया गया है बीटा कैरोटीन से, विटामिन ए समृद्ध। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किन के स्तर पर होता है? तो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण मैंने आपको बुक में भी बताया था, अपने टॉपिक में भी बताया था कि कई स्तरों पर होता है। प्रतिकृति स्तर पर नहीं, प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन पर होता है, और ट्रांसलेशन ए और बी दोनों स्तर पर होता है। इससे अलावा भी mRNA के बनने के दौरान भी नियंत्रण होता है। mRNA का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आने पर नियंत्रण होता है। RNA के किस रूप में संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? त्रिपर्णी मतलब क्लोवर लीव लाइक। आपको बताएं कि tRNA की संरचना दो तरीके की होती है, 2D में ये क्लोवर की पत्ती की तरह दिखता है और 3D में ये L के शेप का दिखता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई? बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछ लिए आज तक, हम भी नहीं पढ़े थे ये वाला। मुझे मिला है इसका आंसर ब्रिग्स, ऑप्शन सी। DNA तथा RNA समान है, क्यों है? देख लीजिए, द्विगुणन में सक्षम होते? नहीं, DNA में द्विगुणन होता है लेकिन RNA में नहीं होता। समान शर्करा? नहीं, DNA में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, RNA में राइबोज पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते सही है, क्योंकि ये इनमें न्यूक्लियोटाइड दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। समान पाइरिमिडिन क्षार होने के कारण भी नहीं, क्योंकि पाइरिमिडिन क्या होता है? एडेनिन गुआनिन होता है प्यूरिन, और साइटोसिन थाइमिन क्या होता है? साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिन होता है पिरिमिडिन। और आपको पता है कि साइटोसिन और थाइमिन DNA में पाया जाता है, और साइटोसिन और यूरेसिन पाया जाता है RNA में, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। प्रथम स्तनपाई किस युग में दिखाई दिए? ट्राइएसिक कंडीशन में, ट्राइएसिक पीरियड ऑफ ईरा में। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग। सबसे बात है ऑटोसोमल, ध्यान रख लीजिए, ऑटोसोमल डिजीज होता है डाउन सिंड्रोम। कोशिका रक्तता, दात्र कोशिका रक्तता बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है, यानी जीन का रोग है, जीन उत्परिवर्तन के कारण, गुणसूत्री उत्परिवर्तन के नहीं। ऑटोसोम रख गया तो मतलब गुणसूत्र के बारे में बात किया जा रहा है, तो गुणसूत्री विकार डाउन सिंड्रोम होता है। 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सभी लिंग गुणसूत्र से संबंधित होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित होते हैं, और यहाँ पर ऑटोसोमल बात की गई है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, द्विसंकर परीक्षा संकरण अनुपात क्या है? तो डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है 1:1:1:1। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है, पानी में जीवाणु का मात्रा क्या बताता है? कि वह उसमें वाहित मल जाता है, यानी वो वाहित मल जल प्रदूषण का, ऑप्शन ए सीवेज पॉल्यूशन बताता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा ओजोन गैस उपस्थित होता है, बी। नेक्स्ट देखिए,
सैनिटरी लैंडफिल को किन के विकल्प के अब में अपनाया जाता है? मैंने आपको अभी पिछले वाली लास्ट वाले क्लास में ही बताया था कि जब ठोस अपशिष्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नगर पालिका में जो कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको जलाने के कारण जो उसका अवशेष बचता है वो चूहों और अन्य जीवों के लिए क्या बन जाता है, प्रजनन क्षेत्र बन जाता है, जो वहाँ पर और पॉल्यूशन करेगा। तो उससे अच्छा विकल्प माना जाता है कि उसको जलाओ मत, दबा दो। तो खुला जलता हुआ ढेर के से अच्छा विकल्प माना जाता है सैनिटरी लैंडफिल, ऑप्शन ए सही हुआ। अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है, भयंकर भयंकर क्वेश्चन है, देख लो लेवल है इन सब क्वेश्चन का। एंडोन्यूक्लिएज, एलिसा के बारे में छुटकू सा पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में और पूछ लिए उसके डेप्थ में, एंडोन्यूक्लिएज होगा ऑप्शन डी। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह क्या है? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की बात की गई है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर परजीवी पारजीनी जंतु के उत्पादन में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस, ऑप्शन बी सही होगा। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, सैटेलाइट डीएनए का प्रयोग कहाँ किया जाता था याद है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किससे रिलेटेड है? फॉरेंसिक साइंस से, ऑप्शन सी। पढ़ा होगा आपने, सीआईडी देखा होगा तब तो पक्का आप जानते होंगे कि उसमें एक फॉरेंसिक टीम होती है, वो आती है फिंगरप्रिंट उठाती है, तो वहाँ से रिलेट कर सकते थे। विभिन्नताएँ अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं, विभिन्नता यानी वेरिएशन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है किसके किसके कारण? तो ये होती है विनिमय के कारण भी यानी क्रॉसिंग ओवर के कारण भी, और स्वतंत्र अपव्यूहन यानी स्वतंत्र अपव्यूहन या स्वतंत्र संकलन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण भी होता है, ऑप्शन डी होगा, ए और बी। मानस अभ्यारण कहाँ है? असम में, बताए थे अभी पिछले वाले लेक्चर में कि इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो प्रतिबंधन एंजाइम का अपना एक नाम होता है, जैसे इको आर वन, बाम एच वन, हिंद थर्ड, साल वन, पी वी यू टी, ये सब होते हैं। पैक्टिनेज एक एंजाइम होता है, ये कोई प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एंजाइम है जो पैक्टिन का घोलता है। आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? पुनर्योगक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा, ऑप्शन सी। प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में ऑनियन, ये चैप्टर नंबर 2 से आया है, नहीं फर्स्ट से आया है, अलैंगिक जनन में, प्याज में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा होता है, देख लीजिएगा। हीमोकोरियल अपरा किससे संबंधित है, ये थोड़ा सा डेप्थ पूछ लिए। हीमोकोरियल अपरा का मतलब होता है एक ऐसी अपरा, एक ऐसी प्लासेंटा जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है मैटरनल ब्लड से, यानी माता के रक्त डायरेक्टली उस अपरा के द्वारा बच्चे में पहुंचती है, इस प्रकार के अपरा को हीमोकोरियल प्लासेंटा कहते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं मनुष्य, चूहा, ये सभी रोडेंट एनिमल्स, मानव में, ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? अब कीटनाशक में भी कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से एक होता है व्यवस्थित कीटनाशक, जिसका एग्जाम्पल है फ्रूडैम, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जाइमेज, ये बताया गया आपको चैप्टर नंबर 10 में। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनके मात्रा को मापकर लगाया जा सकता है? जो अपशिष्ट जल है उसमें बीओडी कितना है, ये किस पर डिपेंड करता है? उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों पर, कि कितना कार्बनिक पदार्थ है, जितना कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा उतना ही बीओडी ज्यादा होगा, कुल जैविक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर, डी। मेमोरी कोशिका का निर्माण क्या किससे होता है? आपको पता है टी मेमोरी सेल्स, बताए थे टी सेल्स कई टाइप के होते हैं, मेमोरी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और मारक टी सेल्स, ये सभी होते हैं ना, तो उसमें टी सेल्स यानी टी सेल्स क्या हैं? एक टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं, तो ऑप्शन होगा बी, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्रेटिनिज्म, ये कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं है। बाकी सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफेलिया, थैलासीमिया, ये सब आप पढ़े हैं, आनुवंशिक रोग हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में आगुणित पादप शरीर होता है? सिंपल, जो सबसे ज्यादा सरल पौधा होगा वो आगुणित होगा। शैवाल के बाद आते हैं ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? आगुणित होते हैं, ऑप्शन डी। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किससे किया जाता है? देखिए पिस्टिल किससे रिलेटेड होता है? पिस्टिल का मतलब होता है स्त्री केसर, और स्त्री केसर मतलब फीमेल फ्लावर, तो एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए, बाकी सब जगह पर द्विलिंगी पुष्प दे दिया है, तो वहाँ पर सिर्फ पिस्टिलेट नहीं होगा, या फिर स्टमिनेट लगा होता, स्टमिनेट पिस्टिलेट तब होता द्विलिंगी, तो सिर्फ पिस्टिलेट की बात की गई है यानी सिर्फ मादा पार्ट की बात की गई है, तो सिर्फ एक लिंगी स्त्री पुष्प होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। जलमग्न पौधों में रंध्र नहीं, रंध्र रहते हैं, तो जल निमग्न जो पौधा है उसको रंध्र की आवश्यकता ही नहीं होती,
उसको जड़ की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो जल निमग्न पौधे होते हैं उनके जड़, रंध्र इन सब की आवश्यकता नहीं होती। तो ये किसी भी सतह पर नहीं पाए जाते हैं, जलमग्न पौधों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। यह आपको जलकर्मक वाले में बताया गया होगा या जलोद्भिद पौधों की विशेषता में बताया गया होगा। सोमाक्लोनन विधि विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ये भी थोड़ा सा हाई लेवल है। सोमाक्लोनन विविधता प्राप्त की जा सकती है ऊतक संवर्धन से, टिश्यू कल्चर से। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, इसका लार्वा क्या खाता है, ये भी थोड़ा लेवल है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है सभी को पता है, लेकिन इसका लार्वा क्या खाता है, तो इसका लार्वा खाता है रॉयल जेलीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कुक्कुट चेचक का कारण है। चेचक शब्द आ गया तो समझ लो वैसे ही वायरस की वजह से होगा, और यहाँ पर किसी वायरस का नाम नहीं पूछा गया है, सीधे वायरस पूछा गया, ऑप्शन सी लगा सकते हैं। इसका नाम होता है एक एवीपो वायरस शायद होता है, एवीपॉक्स वायरस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है। स्वबहुगुणिता को कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है कोल्चिसिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता था एक टाइम में नीट के लिए, सब ये सब नीट का क्वेश्चन है, AIPMT का। भोजन की विषाक्तता के कारण बताइए, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम फूड पॉइजनिंग का कारण होता है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, ये भी मैंने बताया है पढ़ाते समय। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होती है, एंटीबॉडी कौन बनाता है, आपको बताया है कि एंटीबॉडी बनता है बी लिम्फोसाइट के द्वारा, ढूंढ डालिए मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट द्वारा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जंगली घास है, जलीय जंगली घास, अभी पिछले ही लेक्चर में बताए थे, जलकुंभी या वाटर हाइसिन जिसे आइकॉर्निया भी कहते हैं, एक जलीय खरपतवार है जो बहुत तेजी से उगता है, इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, आइकॉर्निया यानी जलकुंभी। अच्छा, बूंद संक्रमण क्या है, ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन किससे होता है, यानी जो हम बोलते हैं बोलने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स निकलता है उससे कौन से रोग का फैलने का खतरा होता है, तो सिफिलिस नहीं, सिफिलिस एक जीवाणु है, जीवाणु जनित रोग है सिफिलिस, ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण होता है और ये यौन संपर्क से होता है। टिटनेस नहीं, ये जंग लगे लोहे के कटने से होता है। टाइफाइड नहीं, गंदा खाना पानी संदूषित भोजन और पानी पीने से होता है। निमोनिया एक ऐसा रोग है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से किसी सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। इको R1 प्रतिबंधन एंजाइम DNA का वो बताइए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जहाँ पर वो कट करता है, चिल्ला चिल्ला के बताए हैं GAATTC, हम हमेशा एग्जाम्पल भी इसी का देते थे, इको R1 का ही। आर्थ्रोट्रोपस बीजाणु निम्नांकित में से किस में पाया जाता है, तो आर्थ्रोट्रोपस होगा इसका एग्जाम्पल पॉलीगोनम है, ऑप्शन ए। आर्थ्रोट्रोपस बीजाण्ड का एग्जाम्पल, हाँ ऑप्शन ए पॉलीगोनम है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर थर्ड सेकंड का है। शुक्राणु का संचलन किन के द्वारा होता है, इतना आसान, शुक्राणु किसके द्वारा मूव करता है, पूंछ के द्वारा। निम्नलिखित में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है, अभी बताए हैं रंध्र और जड़ किसको नहीं चाहिए, जलोद्भिद पौधों को। तो जलोद्भिद पौधे इनमें से कौन सा है, ड्रेसिना मार्सिलिया हाइड्रिला या जलकुंभी, आपको बताया गया है हाइड्रिला जल निमग्न पौधा होता है। नेक्स्ट, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होगा, तालाब में अगर हम उर्वरक डालते हैं तो क्या डालेंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस डालेंगे, और ये पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों की प्रचुरता जब हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, इसके कारण शैवालों की मात्रा बहुत बढ़ती है, शैवाल ब्लूम यानी अलगल ब्लूम हो जाता है। बस ये था आपका 70 क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन करने लायक थे। चलो, एक क्वेश्चन ये करने लायक था, आसान था, एक दो ये भी करने लायक है, तीन ये भी, चार, ठीक है नहीं तीन हुआ ना, अभी तीन हुआ। उसके बाद देखें आर्थ्रोट्रोपस ये भी करने लायक था, चार पाँच ये भी, छः उसके बाद ये भी, सात सात उसके बाद सात ये भी, आठ आठ नौ ये भी करने लायक था, इसको छोड़ सकते हैं थोड़ा सा टफ है, ये नौ चेचक है तो लगा सकते थे वायरस, नौ नौ ये भी छोड़ दीजिए, नौ ये भी छोड़ दीजिए थोड़ा लेवल था, दस ये भी करने लायक था, ये बुद्धि पे आधारित था, ग्यारह ग्यारह ये भी करने लायक था, बारह
12, ये भी 13, मेमोरी कोशिका का निर्माण, ये भी 14, ये भी 15, 16, ये भी आसान था, ये थोड़ा टफ था, ये भी टफ था, ये भी करने लायक था, 17, ये भी करने लायक था, 18, ये भी आसान था, 19, ये भी आसान था, 20, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, ये भी आसान था, 21, ये भी टफ था, छोड़ दीजिए, ये भी टफ था, 21 हुआ, ये तो आसान था, 22, ये भी आसान था, 22, 23, ये भी आसान था, 24, ये भी आसान था, 25, ये भी आसान था, 26, ये थोड़ा टफ मान सकते हैं, 26, ये भी आसान था, 27, ये भी टफ था, छोड़ दीजिए, 27, ये देखिए आसान था, 28, चिन्ह अभिव्यक्ति, ये भी आसान था, 28 से 29, ये भी आसान था, 29 से 30, ये भी छोड़ दीजिए, टफ था, 30, उसके बाद ये आसान था, 31, बाय स्थानीय संरक्षण, इसमें तो कन्फ्यूज़न ही है, 30, और ये भी आसान था, 32, ये भी आसान था, 33, ये भी आसान था, 34, ये भी आसान था, 35, और ये भी आसान था, 36, ये भी आसान था, 37, ये भी आसान था, 38, ये भी आसान था, 39, ये भी आसान था, 40, ये भी आसान था, 41, ये भी आसान था, 42, उसके बाद ये छोड़ दीजिए, टफ था, 42, ये भी छोड़ दीजिए, टफ था, ये भी आसान था, 43, ये भी आसान था, 44, ये भी छोड़ दीजिए, टफ था, 44, ये भी आसान था, 44 एक 45, ये भी आसान था, 46, ये भी आसान था, 47, एक ये भी थोड़ा टफ मान सकते हैं, 47, ये भी आसान था, 48, ये भी आसान था, 49, ये भी आसान था, 50, लाइक एन 51, ये भी 52, 53, 70 क्वेश्चन में से 53 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। अगर आपने वर्ष भर मैंने से पढ़ी थी, ऑफकोर्स आप कर ले गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब इसके बाद देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु सॉरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी थोड़ा सा अलग पूछ लिया गया, मेरा जो प्रेडिक्शन था वो फेल था, कुछ क्वेश्चंस फंसे थे। बाकी अगर आपने जो मैंने 75 लघु उत्तरीय क्वेश्चन कराया था ना, उसमें से अगर आपने पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया था। देखिए, जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाले में बताए थे, तो वो आ गया। जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, किन किन चीज़ों पर आश्रित होता है, मैंने बताया था कि दो चीज़ों के द्वारा बढ़ता है, कौन कौन, जन्मदर और आप्रवासन के कारण यानी इमाइग्रेशन के कारण, और दो के कारण घटता है, मृत्यु दर और उत्प्रवासन के कारण घटता है। NTP पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, MTP हाँ शायद शॉर्ट वाले में नहीं था, तो आपको ऑप्शन दिया गया था, तो 20 में से 10 तो आपको मिल जाएगा। MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जानबूझकर गर्भपात कराना। जैव प्रबलीकरण, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में था, जैव प्रबलीकरण का मतलब होता है कुछ ऐसे पादपों को में पौधों में या फसलों में पोषक तत्वों को बढ़ावा देना, यानी जैसे सुनहरा चावल उत्पन्न किया गया ना, तो उसमें विटामिन ए की समृद्धता थी, तो ऐसे ही पालक धनिया टमाटर बनाए जाते हैं जिनमें पोषक तत्व ज़्यादा हो, आयरन हो, विटामिन हो, खनिज हो, तो उन सभी को बनाने की प्रक्रिया जैव प्रबलीकरण कहलाती है। अब देखिए, क्लोनिंग संवाहक को परिभाषित करिए, किन्हीं दो के नाम बताइए, ये तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कल आपको बताया गया था उसमें ही था। क्लोनिंग संवाहक के बारे में दो प्रकार के होते हैं, क्लोनिंग संवाहक होता क्या है, एक छोटा सा DNA का भाग होता है जिसे हम प्रयोग करते हैं किसी विदेशी जीन को जोड़कर किसी दूसरे जीव में पहुंचाने के लिए, इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का, तो बताया ही गया था अभी पिछले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए हैं कल का मॉडल पेपर में। जल परागण क्या होता है, अब ये जल परागण के बारे में शॉर्ट वाले क्वेश्चन में बताए होंगे। जल परागण का मतलब होता है कि परागण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पराग कणों को परागकोश से निकलकर वृत्तिकागर पर जाना होता है, तो इसके लिए जब जल आवश्यक माध्यम होता है तब इसे हम जल परागण कहते हैं।
पुनरावृत्ति सिद्धांत ये थोड़ा सा हटके हैं, मतलब कि आपके ना तो 75-60 वाले में बताए थे ना तो कल के वाले में बताए थे, तो ये आप छोड़ भी सकते थे, 20 का ऑप्शन था। प्लाज्मिड PBR 322 को तो भी मैंने बताया था आपके इम्पॉर्टेंट 75 लघु उत्तरी प्रश्न में भी। देखिए भैया, हम हकीकत बताएंगे कि 75 जो लघु उत्तरी प्रश्न है उसको तो हर बोर्ड वाले पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। एडिनोसिन डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ADA डिफिशियंसी बताया था ना, SCID सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज होता है, ये भी आपका शॉर्ट में बताया गया था। टी और बी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं इनके बारे में भी आपको बताया गया था। सार्कोमा से आप क्या समझते हैं, ये एक टाइप ऑफ ट्यूमर होता है, कैंसर का एक प्रकार है सार्कोमा, जिसके बारे में आपको बताया गया था। BT कपास, ये भी तो आपको शॉर्ट वाले में बताया ही गया था BT कॉटन के बारे में। गिफ्ट क्या है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये भी आपको 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया गया था। प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा आपको मन से बना के लिखना होता है कि उत्परिवर्तन क्या होता है, जब DNA के न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाए तो उससे उत्परिवर्तन होता है, और जब DNA के न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा तो उससे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। जैव आवर्धन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, बायोमैग्निफिकेशन, ये कल वाले में बताए थे, नहीं कल वाले में शायद नहीं बताए थे। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब कुछ हानिकारक, ये आपको उसमें अभी जो पिछले का पिछला यानी परसों का जो दिन था उसमें आपको पर्यावरण के मुद्दे वाले में बताए थे टॉपिक में कि जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन मतलब जब DDT या हानिकारक विषैले पदार्थ जब जल में घुल जाते हैं तो उससे जैव आवर्धन कहते हैं। जलीय पौधों की पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करना था, जलीय पौधों की पारिस्थितिक अनुकूलन, ये भी 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताए हैं कि ऐसे जलीय पौधों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जड़ नहीं पाया जाता, इनमें रंध्र नहीं पाया जाता क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है, जल में खुद ही रहते हैं। इनके सतह पर क्यूटिकल पाया जाता है, इनमें बायोन्सी के लिए एरनकाइमा पाई जाती है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अंतः प्रजनन से क्या आप समझते हैं, कल ही बताए हैं, मॉडल पेपर में ही आ गया है। लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए, तो लिंग गुणसूत्र के बारे में आपको बताया गया होगा चैप्टर नंबर 5 में, तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य का एक उदाहरण दे देना था आपको कि मनुष्य में, नर में 44+XY पाए जाते हैं, मादा में 44+XX पाए जाते हैं, किस प्रकार से निर्धारण होता है उनके संतानों में लिंग का, वो आप बता सकते थे। अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो अपरा क्या होती है, गर्भाधान के समय यानी जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम गर्भाशय के एंडोमेट्रियम पर जब जुड़ती है तो जब वहाँ पर वृद्धि होती है तो उनके बीच माता के गर्भाशय और भ्रूण के बीच एक स्तर बनता है जिसे अपरा कहते हैं। वो अपरा एक कनेक्टिंग होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड, जो भ्रूण में पल रहा, जो भ्रूण में जो रक्त है उसका कनेक्शन होता है माता के रक्त से, उसको पोषण प्राप्त होता है, उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो भी रक्त के माध्यम से माता में जाता है। जीन उत्परिवर्तन से आपके समझते हैं, तो आपको ये भी बताया गया है शॉर्ट वाले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 वाले में, कि जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, जब जीन में उत्परिवर्तन होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड के एक नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन या एक से अधिक नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन हो जाता है तब इसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। ये तो आपको कल वाले मॉडल पेपर में भी बताए थे हम, मुझे याद है विस्थापन और इंसर्शन वगैरह के बारे में, एडिशन के बारे में बताए थे। जैव विविधता संरक्षण के बारे में कल के मॉडल पेपर में ही बताए थे, दो प्रकार का होता है, स्वस्थानीय बाह्यस्थानीय संरक्षण, कह दीजिए नहीं बताए थे, तो एक क्वेश्चन तो कल ही बताए थे, दो क्वेश्चन, उसके बाद तीन क्वेश्चन और ये चार क्वेश्चन अभी पिछला दो दिन पहले बताए थे, चार क्वेश्चन, ये भी आसान था, 5 क्वेश्चन, BT कपास ये भी आसान था, 6 क्वेश्चन ये भी आसान था, 7 क्वेश्चन ये भी आसान था, 8 क्वेश्चन ये भी आसान था, बनाना था फिगर, 9 क्वेश्चन ये भी कर सकते थे, 9 × 10 क्वेश्चन ये भी कर सकते थे, 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 13 14 14 क्वेश्चन तो एकदम आसान था। 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लघु उत्तरी बताए थे उसमें तो आपको मिल गया होगा, उसमें सब कराए थे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर, जैसे MTP नहीं कराए थे उसमें, और पुनरावृत्ति सिद्धांत भी नहीं कराए थे। DNA प्रतिकरण की विधि का वर्णन करिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताया गया है, मुझे पूरा ध्यान है, 40 मोस्ट
इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये भी बताए थे कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, जाकर देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट करिएगा, सब कुछ बताए हैं। एक डीएनए से दो डीएनए बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है, जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे सभी बोर्ड के लिए है, वो वहाँ से क्वेश्चन आए थे। बाकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बताया गया है उसी में, जीन थेरेपी भी बताया गया है जिसका एक एग्जाम्पल SCID का दिए थे। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रसव से आप क्या समझते हैं, ये नहीं बताया गया था। प्रसव मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन कहते हैं। प्रतिस्थापन उत्प्रयोतन तथा फ्रेम विस्थापन उत्प्रयोतन में अंतर बताइए, कल के मॉडल पेपर में बताए थे। मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करिए, तो मरुक्रमक ये भी आपको बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वाले में। मानव विषण के अंतर अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, ये हम ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में बताए थे ना कल के मॉडल पेपर में बताए थे। उम्मीद नहीं थी कि विषण का चित्र बनाने दे देंगे, क्योंकि विषण का चित्र आसान नहीं होता। बाकी अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस किए हैं तो बना सकते हैं, उसमें आपको कुछ सेक्शंस बनाने होते हैं जिसमें आपको जो कहलाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, उस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में बहुत सारे क्या होते हैं सेमिनिफेरस नलिकाएँ, शुक्रजनक नलिकाएँ होते हैं, बना सकते थे। नेक्स्ट संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए, कीट परागण क्या होता है, कीड़ों के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण कहलाता है। गुरु युग्मक जनन क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है अंडाणु का निर्माण। मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया कहलाती है गुरु युग्मक जनन, लेकिन किसमें, पुष्पों में, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है बस। तो जिसने वर्ष भर मेहनत किया था भैया उसको तो कोई डाउट नहीं है। मैंने जो आपको 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्ट का कराया था, 325 आपको ऑब्जेक्टिव कराया था, और जो 40 लॉन्ग क्वेश्चन कराया था, और भी कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी कराया था, अगर आपने उनको पढ़ा था सही से तो ये कुछ भी नहीं था पेपर। हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस थे जो सिलेबस से बाहर थे, लाजमी है भैया जब आपको 70 क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसे 35 तो ही बताना, 50% का आपको डिफरेंस दे रहे हैं तो वो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकते हैं, वो दिखावा है। कहते हैं ना हाथी का दांत होता है, एक खाने का होता है और एक दिखाने का होता है, तो यहाँ पर वही किया गया है। 70 जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया उसमें से तो देखा आपने 53 क्वेश्चन तो आपके आसान थे। अब वो 17 क्वेश्चन अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए उन्होंने दिया है कि हाँ लगे कि हाँ बिहार में ये लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बाकी आपके जो 20 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए उनमें से भी वही बात है कि 14 आपको आसान क्वेश्चन मिले वो भी आप कर सकते थे। 6 क्वेश्चन दीर्घ में से भी 3 आपको क्वेश्चन आसान थे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया गया था, वहां से भी आप कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आपका जैसा भी परीक्षा गया है बिल्कुल भी आप हताश मत होइएगा। अगर आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इनका मार्क्स इनके पैटर्न आप डिसाइड नहीं करते हैं कि आपके पास कैपेबिलिटी कितनी है, आपके पास क्षमता कितनी है, आप कितना हुनर वाले हो ये परीक्षा तय कभी नहीं करती है, बिल्कुल भी अपने मन से निकाल देना। हम लोग जब बीएड करते थे तो हम लोग को बार बार यही बताया जाता था कि बच्चों पर कभी भी कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है कि इसमें तेज़ नहीं है तो क्या आपका दिमाग नहीं तेज है क्या, आप बिल्कुल, आप हर मनुष्य यहाँ पर एक अपनी विशिष्टता के साथ पैदा होता है, आप किसी चीज़ में तो ज़रूर हुनर वाले होंगे, अपने हुनर को पहचानना हमेशा कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल भी आप पॉजिटिव रहिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, सब कुछ सही होगा। और बाकी अगर आप चाहते हैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए तो पढ़ाई करते रहिए, अपने नीट की तैयारी करिए, मई में आपका नीट का एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करिए, ठीक है, धन्यवाद।